जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है यार कि हम लोगों का सेवी फोटो एडिटिंग ट्रेंडिंग में चलता ही रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा जो कि आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके के फोटो को दोस्तों कुछ इस तरीके से सेवी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा दोस्तों, जो कि आप लोगों को लग रहा होगा देखने में कि इस तरीके का फोटो एडिटिंग करना काफ़ी हार्ड है, बट उतना हार्ड नहीं है दोस्तों, काफ़ी ईजी है दोस्तों। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपना फोटो को HD कैसे कर सकते हो, फेस को स्मूथ कैसे करना है, और आप लोगों का जो कि मॉडल है उसको आप लोगों को बैकग्राउंड पे दोस्तों सही तरीके से मैच कैसे करवाना है दोस्तों। तो मैं यहाँ आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं दोस्तों अब हम लोग अपना एडिटिंग की ओर। सो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप लोगों को फोटो रूम ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ आप लोगों को सो जाएगा, देख सकते हो स्टार्ट फ्रॉम फोटो का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है और जिस भी पिक को हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं दोस्तों उस पिक को यहाँ से ले लेना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि फोटो रूम को हम लोग अपना बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। और फाइनली यहाँ देख सकते हो हम लोगों का बैकग्राउंड हो चुका है दोस्तों वन क्लिक में, जो कि इरेज, जो कि आप लोग भी दोस्तों फोटो रूम की मदद से वन क्लिक में अपना बैकग्राउंड उसको इरेज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड इरेज हो जाने के बाद यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों, और इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो फाइनली अब यहाँ आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फाइनली फोटो को जो कि कर लेना है यहाँ से सेव। ठीक है दोस्तों, सेव हो चुका। अब यहाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों को जो अपना मॉडल का कटआउट है उसको बैकग्राउंड पे सीवी बैकग्राउंड पे कैसे मैच करवाना है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है, देने वाला बैकग्राउंड ले लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप लोगों को नीचे की तरफ को स्क्रॉल कर लेना है और जाना है यहाँ आप लोगों को दोस्तों एड फोटो पर, जो हम लोगों ने अभी कटआउट बनाया है उसको कर लेना है एड। तो फाइनली यहाँ देख सकते हो हम लोगों ने जो अपना कटआउट बनाया है उसको एड कर लिया है दोस्तों, और साइज को कुछ इस तरीके से हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। तो फाइनली आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से अपना जो कि फोटो का साइज़ है उसको इंक्रीज करके अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे फाइनली बिठा लेना है दोस्तों। बिठा लेने के बाद अब यहाँ आप लोगों को करना क्या है, देन यहाँ आप लोगों को कहीं पे बाहर तरफ एक बार यहाँ से टैप कर लेना है, कुछ इस तरीके से हो चुका है दोस्तों। और फाइनली इसके बाद यहाँ आप लोगों को फिर से जाना है अपना एड फोटो पर, और यहाँ से आप लोगों को एक लेना है दोस्तों शेडो का PNG, जो कि आप लोगों का मॉडल है बैकग्राउंड पर मैच करने के लिए। ये वाला देन आप लोगों को शेडो का PNG ले लेना है, साइज को इंक्रीज कर लेना कुछ इस तरीके से, देन ओपेसिटी को फाइनली दोस्तों आप लोगों को यहाँ से कर लेना है हल्का सा डिक्रीज, कुछ इस तरीके से हो चुका है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों इसमें जितना स्टॉक यूज करता है वो सारा चीज़ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फिर से जाना है दोस्तों हम लोग को अपना एड फोटो पे, जो कि हम लोगों को एक अपना टेक्स्ट का PNG उसको फाइनली कर लेना है एड। तो फाइनली ये वाला शेडो का PNG ले लेना है, साइज को इंक्रीज कर लेना है आप लोगों को अपने फोटो के अकॉर्डिंग, और नीचे पे कुछ इस तरीके से उसके बाद एडजस्ट करके आप लोग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और उसके बाद फिर से हम लोग को बाहर की तरफ टैप कर लेना है दोस्तों, फिर से जाना है देन अपना एड फोटो पे, जो कि अब हम लोग को अपना एक स्मोक का PNG चाहिए, फाइनली इसको कर लेते हैं एड। फाइनली आप लोगों को ये वाला स्मोक का PNG ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ आप लोगों को करना क्या है वो आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से मॉडल के यहाँ देख सकते हो मुंह के पास कुछ इस तरीके से ले लेना है। ले लेने के बाद यहाँ आप लोगों को जाना है फाइनली इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ साइज को इंक्रीज करेंगे, हार्डनेस ओपेसिटी डिक्रीज करके कुछ इस तरीके से अब यहाँ हम लोग को इरेज कर लेना है दोस्तों, जो कि हल्के हाथों से यहाँ साइड साइड को देख सकते हो। तो मैं यहाँ साइज को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और जो अपना ये वाला साइड है इसको हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे फाइनली इरेज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देख सकते हो दोस्तों हम लोगों का पीक है जो कि काफ़ी मस्त तरीके से लग रहा है। फाइनली इतना हो जाने के बाद अब हम लोगों को यहाँ से अपना राइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आफ्टर ऑल फिर से हम लोग को बाहर की तरफ एक बार टैप कर लेना है। फाइनली इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब फिर से जाना है हम लोगों को अपना एड फोटो पे, जो कि एक हम लोगों को सिगरेट का PNG चाहिए उसको कर लेंगे एड। ये वाला PNG ले लेना है दोस्तों और कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है। अरे आप लोगों को बाहर की तरफ टैप करके हम फोटो को कर लेना है जूम, और साइज को कुछ इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जो कि यहाँ देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। इतना हो चुका, और इसके बाद यहाँ हम लोगों को जाना है अपना इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे और अपना ए वाला जो साइड है दोस्तों उसको कुछ इस तरीके से हम लोग को इरेज कर लेना है, जो कि देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो फाइनली आप लोगों को इसको अच्छे से इरेज करके कुछ इस तरीके से इसको आप लोगों को फिंगर से जो कि मैच करा लेना है, जो कि देख सकते हो अब हम लोगों का पिक की जो कि लुक ही चेंज हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अब हम लोगों को फाइनली इसको कर लेना है राइट पे क्लिक। तो यहाँ फिर से मैं यहाँ राइट पे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों, हो चुका। अब यहाँ हम लोग को देन फिर से जाना है अपना एड फोटो पे, जो कि हम लोगों का यहाँ अपना सिगरेट का PNG है दोस्तों, इस पर एक PNG ऐड करना है, तो उस PNG को भी हम लोग कर लेते हैं ऐड। तो इस वाले PNG को ले लेना है, और यहाँ नीचे की तरफ का आप लोगों को कुछ इस तरीके से खींच लेना है, अरे साइज को डिक्रीज करके आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है फाइनली कुछ इस तरीके से दोस्तों।
और यहाँ बाहर की तरफ आप लोगों को टैप कर लेना है। अब देख सकते हो हम लोगों का पिक जो कि काफ़ी बवाल तरीके से लग रहा है। और यहाँ आप लोगों को उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक और टेक्स्ट का पीएनजी, उसको फाइनली ऐड फोटो पर जाके कर लेना है ऐड। फाइनली ये वाला पीएनजी ले लेना है, नीचे की तरफ को कर लेना है स्क्रॉल, और देन जाना है दोस्तों ब्लाइंड पे और इसका ब्लाइंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेना है। और साइड पे आप लोग जहाँ लगाना चाहते हो इस टेक्स्ट पीएनजी को आप लोग लगा सकते हो। तो मैं अपना ये वाला साइड इस पर थोड़ा सा एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका साइज़ को बड़ा करके यहाँ पर लगा लूँगा दोस्तों, जो कि देख सकते हो यार काफ़ी मस्त तरीके से लग रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ करना क्या है, हम लोग को अपना यहाँ राइट का ऑप्शन है सिंपल, इस पर क्लिक कर लेना है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों इसको आप लोगों को फेस को स्मूथ कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा इस पिक को आप लोगों को हाई HD कैसे करना है। तो फाइनली इसको ड्रो टूल पर लेके जाके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं फोटो को। अब हम लोग फाइनली सेव कर लेने के बाद यार फाइनली इस पिक को अब हम लोगों को लेके जाना है दोस्तों अपना स्केच बुक के अंदर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल, इसको हम लोगों ने अपना स्केच बुक के अंदर ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ हम लोग को करना है हाई HD में फेस को स्मूथ, जो कि इसके लिए जाना है दोस्तों हम लोग को फाइनली अपना ब्रश वाले ऑप्शन पे। ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद नीचे की तरफ कर लेंगे फाइनली स्क्रॉल, और आ जाना है दोस्तों हम लोग को फाइनली अपना स्मज राउंड ब्रश पे, जो कि यहाँ मैं आप लोग को कुछ बेसिक सेटिंग बता दे रहा हूँ फेस को स्मूथ करने के लिए, जो कि आप लोगों को रख लेना है। यहाँ सेटिंग आप लोगों को फेस को स्मूथ करने के लिए कुछ इस तरीके से रखना है, जो कि आप लोग स्ट्रेंथ को यहाँ आप लोग थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बैक आ जाएंगे और यहाँ मॉडल को करेंगे कुछ इस तरीके से जूम, ब्रश का साइज़ को कर लेंगे इंक्रीज। और उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को चलाना है ब्रश को कुछ इस तरीके से, देख सकते हो मैं किस तरीके से चला रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से ब्रश को चला के अपना फेस को जो कि स्मूथ कर लेना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने फेस स्मूथ के ऊपर बारीकी से वीडियो बना दिया है कि आप लोग जीरो लेवल से अपना जो कि फेस है उसको कैसे स्मूथ कर सकते हो। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जो कि आप लोग जाके देख लेना, जो कि बड़े यूट्यूबर आप लोगों को किस तरीके से सिखाते हैं और जो कि मैं आप लोगों को किस तरीके से सिखाया हूँ उस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ बता दिया है दोस्तों कि जो कि आप लोगों को हाई HD में फेस को स्मूथ कैसे करना है। तो यहाँ मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, जल्दी से जो हमारा मॉडल का फेस है उसको स्मूथ कर लेते हैं यार। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट यहाँ करना नहीं चाहता दूसरे यूट्यूबरों की तरह। तो दोस्तों यहाँ मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को कर लेंगे थोड़ा सा फास्ट और फेस को हम लोग फाइनली कर लेंगे यहाँ जल्दी से स्मूथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ एक गलती किया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ आप लोगों को फेस को पहले स्मूथ कर लेना है दोस्तों, उसके बाद यहाँ इन PNG को आप लोगों को ऐड करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आप लोग फेस को स्मूथ करोगे तो यहाँ आप लोगों का जो स्मोक का PNG है ना फाइनली यहाँ से आप लोगों का स्मूथ हो जाएगा, जो कि नहीं दिख पाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना हो चुका, अब यहाँ बारी आता है कि हम लोग को फाइनली यार अपना चश्मा के कलर को कैसे चेंज करना है। देन इसके लिए जाना है दोस्तों हम लोग को अपना ये वाला ऑप्शन है इस पर, फाइनली इस पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, जो कि प्लस का आइकन शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ दोस्तों हम लोगों को एक लेयर बन जाएगा यार, जो कि लेयर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ ब्लाइंडिंग मोड को चेंज करके इसको कर लेना है हम लोगों को सॉफ्ट लाइट। और देन उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे दोस्तों और जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे, और बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ से आप लोगों को अपना कलर जो कि चूज़ कर लेना है। तो मेरा बैकग्राउंड ग्रीन है दोस्तों, तो मैं यहाँ अपना चश्मा का कलर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ आप लोगों को ब्रश कौन सा यूज़ करना है वो आप लोग यहाँ देख लो दोस्तों। यहाँ आप लोगों को ब्रश का यूज़, ये वाला ब्रश का यूज़ करना है जो कि पेंट करने के लिए फाइनली, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला ब्रश हम लोग ले लेंगे, इसका सेटिंग कुछ भी नहीं रहता। और यहाँ से आ जाएंगे बैक और मॉडल को करेंगे कुछ इस तरीके से जूम और कर लेंगे मॉडल के चश्मे को कुछ इस तरीके से पेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग जल्दी से पेंट कर लेते हैं फाइनली, आप लोगों को तो इतना आ ही जाएगा यार। तो मैं आप लोगों को यहाँ टाइम तो ज़्यादा लूँगा ही नहीं दोस्तों, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बारीकी से दिखा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ दोस्तों। जो जो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में सिखा और दिखा रहा हूँ दोस्तों, उस स्टेप को आप लोग डेफिनेटली फॉलो करो। आप लोग दोस्तों हर एक चीज़ फॉलो करोगे तो आप लोग सेम मेरे जैसा हाई HD CV फोटो एडिटिंग डेफिनेटली सीख जाओगे दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे पेंट। और फाइनली आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों जो अपना फेस है उसको गोरा कैसे करना है और फोटो को HD कैसे करना है। तो जो कि यहाँ आप लोगों को 3 डॉट्स हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है और फोटो को कर लेना है सेव। फाइनली सेव हो चुका है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ कि फोटो को आप लोगों को HD कैसे करना है। तो यार फोटो को HD करने के लिए दोस्तों यहाँ हम लोगों को अपना रिमनी ऐप का आवश्यकता पड़ेगा। तो रिमनी ऐप को फाइनली कर लेंगे ओपन,
और कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। तो जो अभी हम लोगों ने फेस स्मूथ किया है ना दोस्तों, उस पिक को ले लेना है और उसके बाद यार हम लोगों को अपना इनहेंस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों जो कि हम लोगों का पिक है हाई HD हो जाएगा दोस्तों, जो कि बिना एड का यूज़ कर सकते हो दोस्तों आप लोग रिमनी ऐप का। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है यार, फाइनली आप लोगों ने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे वो भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोग अपना रिमनी का एड को फाइनली कैसे बंद कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों अब हम लोग का हो चुका जो कि फ़ोटो हाई HD। मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ तो फाइनली आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोगों को उसके बाद करना कुछ भी नहीं है यार, फाइनली यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ आप लोगों को कलर रिटचिंग किस तरीके से करना है इस वाले पिक का मैं आप लोगों को चलो दिखाता हूँ जो कि लाइट रूम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो यार जो हमारा पिक फाइनली उसको हम लोगों ने अपना लाइट रूम के अंदर ऐड कर लिया है। तो यहाँ आप लोगों को कलर रिटचिंग करने के लिए कोई भी टेंशन लेना नहीं है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रीन टोन का प्रीसेट दे दूंगा, उस प्रीसेट को आप लोगों को जस्ट यूज़ करना है। ये वाला प्रीसेट है दोस्तों जो कि देख सकते हो बवाल तरीके से आप लोगों का पिक वन क्लिक में लगेगा। तो प्रीसेट को ओपन कर लेना है फाइनली, या जाना है 3 डॉट पे और यहाँ से फाइनली कर लेना है दोस्तों प्रीसेट को कॉपी और देन जाना है राइट वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक और आ जाएंगे बैक। अब जो हम लोगों ने फोटो ऐड किया है ना दोस्तों फाइनली इसको ओपन करेंगे, जाएंगे 3 डॉट पे और यहाँ आप लोगों को नीचे पे सो जाएगा पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन, इस पर कर लेना है क्लिक और फाइनली आप यहाँ देख सकते हो आप लोगों का हाई HD CV फोटो एडिटिंग बनकर रेडी हो चुका दोस्तों, जो कि देखने में देख सकते हो काफ़ी बवाल तरीके से लग रहा है, जो कि सेम टू सेम मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाया हुआ दोस्तों, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई यूट्यूबर इस तरीके से नहीं सिखाएगा यार हाई HD CV फोटो एडिटिंग।